नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली की है, जहां जगतगुरु श्री रामललाचारी खजूरी ताल आश्रम से पाली पहुंचकर माता बिराशिनी देवी के दर्शन किए, जिसके उपरांत पाली नगर के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला पहनाकर जगतगुरु श्री रामललाचारी का स्वागत किया। जगतगुरु ने पाली के समाज सेवी संजय अग्रवाल संदीप अग्रवाल के निज निवास पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बता दें, जगतगुरु श्री रामललाचारी जी का पाली से बहुत ही लगाव रहता है। उल्लेखनीय है कि जगतगुरु खजरीताल रामलीला मंडली में 1986 से लेकर 1992 तक पाली में श्री रामलीला समारोह के कार्यक्रम में भगवान श्री राम का रोल अदा करते थे, जिनका आज पाली से गहरा नाता जुड़ा है। हर वर्ष पाली आकर माता बिरासिनी देवी के दर्शन कर ही जाया करते हैं। बता दें, इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंडित प्रकाश पालीवाल, समाज सेवी कालिका बहादुर सिंह, संदीप अग्रवाल, संजय अग्रवाल, राजेंद्र सिंह सहित समस्त मौजूद रहे। माता वीरासिनी के चरणों में हर व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। दुनिया में सारी चीज़ों की सिद्धि माता के चरणों से ही होती है। भगवान श्री राम ने भी उपासना किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी उपासना किया, बड़े से बड़े राजा महाराजा भी माता की शक्ति के सामने झुकते हैं और उनकी कृपा लेकर के दुनिया के सारे कामों को करते हैं। यह पाली जो है साधारण एक नगर नहीं है, ना ही कोई साधारण क्षेत्र है, ये तो बहुत बड़ा तीर्थ है जो माता के नाम से प्रसिद्ध है। और माता के नाम से ही इस पाली को पाली वीर सिंहपुर कहते हैं। माता वीर रूप में विराजमान है, उनके चरणों में हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हर प्रकार की कामना लेकर भक्त आते हैं। और मैंने कई बार अनुभव किया है कि माता के चरणों में अगर निस्वार्थ भाव से व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर दे तो माता बहुत ही जल्दी मनोकामना सिद्ध करती है। हमारे इस माता वीरासिनी की पावन धरा पर हमारे जगत गुरु स्वामी रामानंद स्वामी जी का इस बिरसिंहपुर पाली की पावन धरा पर कल सायं को आगमन हुआ। ये हमारे नगर के बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर में स्वामी रामानंद स्वामी जी पधारे। चूँकि बिरसिंहपुर पाली में स्वामी जी के बहुत से शिष्य रहते हैं, जिन्होंने कई बार स्वामी जी से आग्रह किया था कि स्वामी जी आप अवश्य बिरसिंहपुर पाली जब भी पधारें तो हमारे आवास पर पधारें, जिसको स्वामी जी सहजता से स्वीकार करते हुए, स्वामी जी का प्रवास कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य में बना हुआ था, जिससे स्वामी जी छत्तीसगढ़ से जब वापस लौट रहे थे तो कल सायं उन्होंने आने की इच्छा प्रकट की और सायं पाए पूरे नगरवासियों ने यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया। और स्वामी जी का इस नगर से काफी पुराना वास्ता है। स्वामी जी यहाँ पर नगर, जब हमारे नगर में रामलीला हुआ करती थी, स्वामी जी राम का पात्र बना करते थे रामलीला, आदर्श रामलीला मंडली पर। यह आज हमारे लिए, इस नगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गुरु जी आज हमारे संजय अग्रवाल जी के निवास पर पधारे हुए।